क्या हुआ जब आमने सामने आए कंस और भीष्म पितामह? आखिर क्या हुआ जब आमने सामने आए कंस और भीष्म पितामह? क्यों कंस ने किया हस्तिनापुर पर हमला और कौन किस पर पड़ा भारी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और महाभारत और रामायण से जुड़ी ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। भीष्म, जिनका नाम ही काफी था दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए और जिसका सामना करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मैदान में उतरना पड़ा, वो जो शायद पढ़ सकते थे पांडवों पर भारी, वो जो बदल सकते थे महाभारत की कहानी, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण से टक्कर लेने वाला कंस, जिसके सामने चाहे किसी भी दानव से लेकर असुर तक को कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। लेकिन एक समय आया जब कंस अपनी पूरी सेना लेकर हस्तिनापुर को विजय करने के लिए निकला और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस युद्ध का क्या परिणाम निकला और इस युद्ध के पीछे आखिर क्या वजह थी। ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया परंतु उन्हें अपने भाई विचित्र के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो उत्तम कन्या की खोज कर सके। उनमें से एक सेनापति भगदत्त के महल में जा पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि भगदत्त वहां इंसानों की बलि दे रहा है जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल हैं। ये बात जाकर उसने भीष्म पितामह को बताई। ये सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगदत्त का अंत करने का सोचा। लेकिन तभी उन्होंने ये भी सोचा कि अगर मैं भगदत्त को मारने उसके महल गया तो मेरे पीछे से हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा। तभी भीष्म पितामह ने अपने महल से ही भगदत्त पर दिव्य बाण से प्रहार किया। हालांकि उस प्रहार से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन वो मूर्छित जरूर हो गया था। जब उस बात की जानकारी भगदत्त के परम मित्र कंस को पता चली तो उसने अपने राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर कूच किया। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन है, लेकिन उसने अपने परम मित्र की खातिर युद्ध किया। जैसे ही वो हस्तिनापुर के नजदीक पहुंचा, उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से गरजने लगा, जिससे कि हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। ये सब सुनकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ महल के अंदर प्रवेश करने वाला है। भीष्म के पास खड़े सैनिकों ने सेना को तैयार करने का आदेश दिया लेकिन भीष्म पितामह ने सभी को रोक दिया और अकेले ही अपने रथ पर सवार होकर कंस की तरफ बढ़ने लगे। जिसके बाद भीष्म पितामह ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा जिसमें बड़ी गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कि कंस की सेना में भगदड़ मच गई। ये सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भीष्म पितामह से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने मात्र अपने एक साधारण से बाण से ही सेनापति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी सेनापति का ये हाल देखकर कंस पूरी तरह से घबरा गया और उसने अपनी सारी सेना को भीष्म पितामह पर हमला करने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, भीष्म पितामह ने फिर एक दिव्य बाण छोड़ा जिससे कि अनगिनत बाण निकलने लगे और कंस की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई। और अपनी सेना का ये हाल देखकर कंस ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाया जिससे कि भीष्म पितामह का रथ पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे कि कंस हंसने लगता है। ये देखकर भीष्म पितामह अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद भीष्म पितामह ने अपने सबसे शक्तिशाली रुद्रास्त्र का आवाहन किया। जैसे ही वो शक्तिशाली अस्त्र प्रकट हुआ वैसे ही धरती कांपने लगी। भीष्म पितामह उस अस्त्र का प्रयोग करने जा ही रहे थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि कंस का वध किसी और के हाथों होना निश्चित है, आप अपने इस प्रचंड अस्त्र का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये ना तो आपके लिए बल्कि संपूर्ण सेना और धरती के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं होगा। इस भविष्यवाणी से कंस भी समझ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में कंस अपनी बची कुची सेना लेकर वापस चला गया और स्वयं भीष्म पितामह ने भी आकाशवाणी की बात समझी और कंस को अपने राज्य से जाने दिया। इस कहानी से हमें पता लगता है कि भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे।